मोकामा में चुनाव होगा ये तो हाँ, तो वहाँ पे आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अवश्य लड़ेंगे, अवश्य लड़ेंगे, हर सीट पे लड़ेंगे। और आप तय मान लीजिए कि लोकसभा से पहले यहाँ विधानसभा हो जाएगी। बिहार टकटकी लगाए हुए है, चुनाव तो होने दीजिए, परिणाम जो आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, आप देखिएगा। श्री चिराग पासवान के अलावा कोई मुख्यमंत्री अब बिहार में नहीं बन सकता है, क्योंकि सब लोगों ने बिहार वासियों को ठगने का सिर्फ काम किया है। पहले तक लगातार मुकेश सहनी और चिराग पासवान साथ साथ नजर आ रहे थे, एक गाड़ियों में घूम रहे थे। कोई किसी के गाड़ी में बैठ जाए तो गाड़ी में घूमने की संज्ञा दे दी जाए, ये तो गलत होगा ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के व्यक्तिगत संबंध सभी पार्टी के नेताओं से बहुत अच्छे हैं। समीकरण बनने की खबरें चल रही हैं। निजी संबंधों को लेकर कोई किसी के गाड़ी में बैठ जाए तो इसे कोई अन्यथा लेने की आवश्यकता की चर्चा नहीं होने लगी थी। मोकामा में उपचुनाव होने वाला है, अनंत सिंह जी की विधायकी चली गई है, आरजेडी कैंडिडेट लगभग तय मानी जा रही है कि उनकी पत्नी नीलम देवी जी हो सकती हैं। मुकेश सहनी, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी मोकामा के उपचुनाव में उतरेंगे। जनता दल यूनाइटेड भी उतरने वाली है, क्या लोजपा रामविलास अपना उम्मीदवार उतारेगी? देखिए, हमारी पार्टी में एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट ये है कि हमारा संसदीय बोर्ड प्रदेश का जो तय करेगा उस नाम को हमारे केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाता है, और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के चयन के बाद अंतिम मुहर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी उस पर लगाते हैं। और लड़ना ना लड़ना, कौन होगा उम्मीदवार, ये सारी तैयारी संसदीय बोर्ड की जिम्मेवारी है। उम्मीदवार तो खैर चलिए अभी मैं मानता हूँ कि नहीं होगा, लेकिन लड़ना और नहीं लड़ना ये भी क्यों कह सकते हैं? मान लीजिए चिराग पासवान हमेशा कहते हैं कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकता है। मध्यावधि चुनाव होगा, मध्यावधि, अगर यही कहना चाह रहा हूं कि बहुत जल्द होगा। जिस रस्सा कसी से राजनीतिक तौर पर बिहार गुजर रहा है, जो हालिया स्थिति है, आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भविष्यवाणी जो है पूरी तरह सच साबित होने वाली है। और आप तय मान लीजिए कि लोकसभा से पहले यहाँ विधानसभा हो जाएगी। 2020 के परिणाम के बाद से लगातार चिराग पासवान यही कह रहे हैं, हालांकि अभी तक ऐसी कुछ परिस्थितियां नहीं बनी हैं। लेकिन जहां पर चुनाव होने की परिस्थितियां दिख रही हैं, उसकी तैयारी आपने की है या नहीं की? परिस्थितियां रोज बन रही है, हालात बहुत खराब है, गठबंधन में रस्साकसी क्या चल रहा है वो खुलेआम जनता देख रही है। अमित शाह जी आए, जेपी नड्डा जी आए, उन्होंने तो कह दिया कि 24 और 25 दोनों साथ लड़ेंगे। यही देखिए, बयान देना अलग चीज है, जमीनी हकीकत कुछ और होता है। नेता ये बात कह रहे हैं तो मानना चाहिए, तो ठीक है ना। अब तो देखेगी ना बिहार की जनता कि ये कितना खरी उतरती है। ये बात चुनाव होगा नहीं होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन मोकामा में चुनाव होगा ये तो हाँ, तो वहाँ पे आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नहीं, संसदीय बोर्ड तय करेगी कौन लड़ेगा, और उसके बाद हम आपको बताएंगे। मुकेश सहनी जी ने ऐलान कर दिया, अवश्य लड़ेंगे हर सीट पे। एलजेपी पहले 2005 हो, 10 हो, 15 हो, वहाँ पर चुनाव हमेशा लड़ती रही है, एक अच्छा जनाधार लोजपा का वहाँ पे रहा है। बिल्कुल, हमारी संसदीय बोर्ड इस पे काम कर रही है, और जैसे ही कुछ निर्णय होता है, अंतिम फैसला होता है, मैं आपको सूचित करूंगा। कुछ दिन पहले तक लगातार मुकेश सहनी और चिराग पासवान साथ साथ नजर आ रहे थे, एक गाड़ियों में घूम रहे थे, अब परिस्थितियां बदल गई हैं। बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण बनने की खबर चलने लगी थी, लेकिन अब वो भी दूसरे रास्ते। अब कोई किसी के गाड़ी में बैठ जाए तो गाड़ी में घूमने की संज्ञा दे दी जाए, ये तो गलत होगा ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के व्यक्तिगत संबंध सभी पार्टी के नेताओं से बहुत अच्छे हैं। समीकरण बनने की खबरें चल रही हैं। निजी संबंधों को लेकर कोई किसी के गाड़ी में बैठ जाए तो इसे कोई अन्यथा लेने की आवश्यकता की चर्चा नहीं होने लगी थी। नहीं, गठबंधन अभी तो चुनाव ही सामने नहीं है, तो गठबंधन मध्यावधि चुनाव हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि चुनाव के पूर्व ही गठबंधन का स्वरूप तय होगा, गठबंधन में कौन साथ रहेगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, और वो चुनाव के पूर्व तय करेंगे, अभी गठबंधन की कोई चर्चा ही नहीं है। मुकेश सहनी ने खुलेआम एक मंच से कह दिया था कि चिराग पासवान की राजनीति उनके पिता के दम पर है। आपको ये ऐसा लगता है? बिहार का बच्चा बच्चा आज बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान में अपना भविष्य देखता है। बिहार टकटकी लगाए हुए है, चुनाव तो होने दीजिए, परिणाम जो आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, आप देखिएगा। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? यही मेरा अगला सवाल है कि बिहार में तीन तीन युवा मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि श्री चिराग पासवान के अलावा कोई मुख्यमंत्री अब बिहार में नहीं बन सकता है,
चूंकि सब लोगों ने बिहार वासियों को ठगने का सिर्फ काम किया है, एक ही संघर्ष कर रहा है बिहार की स्वाभिमान की लड़ाई जो लड़ रहा है वो सिर्फ चिराग पासवान जी हैं। और आप यकीन मानिए कि बस मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर अब सिर्फ चिराग पासवान ही बिहार वासियों के बीच है। यही बात तेजस्वी भी कहते हैं, यही बात मुकेश सहनी भी कहते हैं, तो यही बात आप सवाल है कि जब कोई परिस्थितियां आती हैं बिहार में तो कोई जाता क्यों नहीं है? अच्छा। उन पीड़ित परिवारों का आंसू कौन पोंछता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब शराब से मरता है, जब लूट का शिकार होता है, जब हत्याएं होती हैं, दुष्कर्म होता है हमारी बहनों और बेटियों के साथ, कौन खड़ा होता है? ये बिहार देख रहा है और बिहार टकटकी लगाए हुए सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहा है। चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। एक सवाल पशुपति पारस जी ने किया है चिराग पासवान से कि वो तो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चिराग कहां से लड़ेंगे वो बता दें। बिहार की जनता तय करेगी। चिराग जी कोई एक संसदीय क्षेत्र के नेता थोड़े ना हैं, वो तो देश के नेता हैं, देश के नेता हैं, पूरा देश चाहता है उनको, पूरा देश चाहता है। मैं कह रहा हूं कि बिहार की जनता तय करेगी। जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में। बिहार की जनता जहां से चाहेगी वहां से लड़ेंगे वो। कैसे पता चलेगा कि जनता कहां से चाह रही है चुनाव लड़ने? पहले से अभी जमुई के सांसद हम लोगों के पास तो अभी से ही जहां तहां से फोन आने लगे हैं कि हमारे यहां से लड़िए, हमारे यहां से लड़िए। तो चिराग जी को ही करना है। चिराग जी को कौन नहीं चाहता है? अरे एक ही तो चिराग है पूरे बिहार में जिससे रोशन होगा एक दिन बिहार, देखिएगा। आज जब कोई समस्याएं आ रही है, मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूं कि जब हमारी माताओं और बहन बेटियों का असमत लूटा जाता है इस प्रदेश में, सत्ता के संरक्षण में, मैं कह रहा हूं अपराधी जो बेलगाम हो गए हैं, तो कौन कुशल क्षेम पूछने जाता है? अकेला एक चिराग। तो उस चिराग के प्रति क्या निष्ठा है बिहार वासियों की और क्या जनाधार बढ़ा है, आप अगले चुनाव में देख लीजिएगा। अभी आप बताइएगा नहीं कहाँ पशुपति पारस जी ने जो सवाल किया है। पशुपति कुमार पारस जी, पशुपति कुमार पारस जी स्वयंभू नेता हैं, स्वयं को घोषित कर दिए हैं, जबकि एनडीए में इस तरह की कोई बैठक भी नहीं हुई है। आप समझ लीजिए कि ये तो एनडीए तय करेगा ना, अरे एनडीए तय करेगा ना कि अगला सांसद वहां से कौन रहेगा, अगला कैंडिडेट कौन रहेगा। चिराग पासवान एनडीए में है या ये कहना तो बड़ा मुश्किल। नहीं, मैं एनडीए में नहीं हूं अभी, ये तय होगा चुनाव के पूर्व। मैं किसी भी गठबंधन में नहीं हूं, गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं, ना एनडीए का हूं ना यूपीए का हूं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।